ये फुल ए टू जी क्लीन करेंगे सारा। तो हमने गाड़ी जो है सारी पैक कर रहे हैं, तो ये एक पीस हमारा लग गया और भी खो दिया, देखें अभी ये आता है। वेलकम बैक टू माय चैनल टीम डिफॉल्टर। तो सीन आज कुछ ऐसे हैं कि नया दिन है, गाड़ी का काम नहीं हुआ था जैसे कि बताया था। तो अब ये सीन है कि हम लोग जो हैं, ये इंटीरियर है सारा, ये खोल रहा हूँ, इसकी हालत देख सकते हैं जैसे कि ये देखें, और ये सारा ये फुल ए टू जी क्लीन करेंगे सारा। ये हमने सिर्फ डाल के रख दिया, तो ये सारा ए टू जी रीन्यू करेंगे और फिर ये गाड़ी में लगाएंगे। अभी जो है हम सफाइयाँ करेंगे सारी, हमने सारे ट्रिम पीसेस जो हैं धो धो के सुखाने के लिए लटका दिए। बाकी जो मैट है उसका इंटीरियर का वो ऐसा है, ये नंदे पड़े हैं, ये नंदे सारे हैं, तो बाकी ये सारा इंटीरियर जो है ना ये वॉश करके रख दिया। आज जो हम शॉर्ट शॉर्ट करेंगे, हमने वैक्यूम क्लीनर ला कर रख लिया। अब ये हम जो है ना गाड़ी सेट करेंगे और वो वाली सीट वापस उतारेंगे, उसकी भी सेटिंग करेंगे और डैशबोर्ड भी धोएंगे और देखते हैं सारा कुछ जो जो भी सीन होता है अभी करना शुरू करते हैं। अभी जो है हम वैक्यूम क्लीनर मारना शुरू कर रहे हैं। बाकी सारी गाड़ी तकरीबन साफ हो गई, अभी ये बस रह गए ये पीस, ये फटा हुआ है, इसका अगले हफ्ते देखेंगे क्या करना है। अभी जो गाड़ी पैक करनी है क्योंकि यूज़ के लिए चाहिए होती है तो है नहीं, तो अभी बस वैक्यूम क्लीनर से साफ शाफ करके फिर करते हैं। बाकी बूफर की वायरिंग उतारी है, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने गाड़ी जो है सारी पैक कर रहे हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना हम वो इसकी रैगजीन डाल लें, रैगजीन डालने से ये फ़ायदा कि सफाई में आसानी होगी, अच्छा रहेगा। बाकी ये देखें, वैसे तो हमने गाड़ी सारी पैक कर ली है, बूफर की वायरिंग नई की है, पड़ी है वो अब लगाएंगे बाद में। ये तो इनकी अपनी थी जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, ये गाड़ी में से निकाल दी क्योंकि मैंने लगाना है डिग्गी, मैंने लगाया था इधर, यहाँ पर एक तार को जोड़ डाला है वो यहाँ पर, सारी वायरिंग अंदर टक वायरिंग की गई, अंदर को की है। ये वाली कैमरे की हमें उतार नहीं सकता, ये भी उधर से की हुई कटिंग करके उधर चेंज होगी, तो इससे अच्छा है ये रहने दे। वैसे भी ये स्पीकरों की तो आ रहे हैं तो उतर जाएंगे, एम में लगेंगे। तो बाकी डिगी में गंद हुआ है वो बाद में साफ़ करेंगे, अभी तो ये देखते हैं जाके कोई शीट लेकर आते हैं। तब तक किलर ऑफिस नंबर प्लेट का लोगो चेंज करने लगे हम। Few moments later. सीन कुछ ऐसे हैं कि हमने जो है सामान काफ़ी ज़्यादा लाया, इंटीरियर सारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, इंटीरियर कंप्लीट नहीं प्रॉपर बनेगा, तो सामान लाए, सामान दिखाते हैं आपको। तो ये लाए हमने सीट कवर्स जो कि इंटीरियर के साथ मैचिंग में लाए और बड़ा फिट कंट्रास्ट मिला। ये जो डैशबोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये इंटीरियर का जो क्रीम सा कलर होता है, नीचे वाली शीट भी रैगजीन वाली ले आई है, और वो सामने जो कंसोल बॉक्स पड़ा है ये हम करेंगे कार्बन फाइबर 5D जो है वो रैप, कार्बन फाइबर 5D वाले में रैप करेंगे हम ये। और उसके अलावा हमने लाई हैं एटमॉस्फेयर लाइट्स जो कि ये भी कल लगाएंगे हम, ये एटमॉस्फेयर लाइट्स भी आ गई हमारी। सारा सामान कंप्लीट हो चुका है इंटीरियर का, और तो मज़ीद इंटीरियर में कुछ भी नहीं करना, ये साइड एटमॉस्फेयर लाइट लग जाएंगी और बाकी ये सीट कवर्स हैं। अभी जो है इसकी ये तो पार्ट्स में बनेगी वीडियो क्योंकि हमारा काम काफ़ी लंबा था। हाँ, जिस टाइम हमारा इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा सारा, एक्सटीरियर भी साथ साथ हो रहा है,
मगर एक्सटीरियर का पेंट रहता है हमारा, पेंट जो है वो हमने सोचा है गर्मियों में कराएंगे, वो मैंने पहले पिछले व्लॉग में शायद बताया था। तो फ्रंट की पट्टी हमने कार्बन फाइबर रैप करनी है जो हमने लाया हुआ है, और पिछली पट्टी भी कार्बन फाइबर की रैप करनी है। और हमारा और क्या है, और तो हमारी लाइटें चेंज होनी है, लाइटें भी इंशाल्लाह जल्दी चेंज करेंगे। पिछली किट कराया गया, पिछली किट हमें मिल नहीं रही अभी, जो मुझे पसंद आई हुई है वो भी ढूंढ रहे हैं, जैसे वो मिल गई वो भी लगाएंगे। और वो कराएंगे हम पेंट के टाइम, जिस टाइम हमने गाड़ी पेंट करानी होगी उस टाइम हम वो किट लगा के कराएंगे, ताकि एक ही बारी सारा कुछ हो जाए। तो बाकी हमारी माशाल्लाह गाड़ी कंप्लीट है, इंटीरियर हमारा भी सारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमारी इंटीरियर में और कोई चीज़ रहती नहीं। हमारा ये सीन है, तो हम अभी सबसे पहले ट्रिकी पीस है इसको वो कर रहे हैं रैप, दिस लाइक दिस। तो ये ट्रिकी पीस है, अगर मैं यहाँ से लगाना शुरू करता हूँ बैठेगा नहीं सही, क्योंकि ये लेदर जो है ये इन्हें स्टेपल किया हुआ है, ये स्टेपल किया हुआ है। अगर ना किया था फिर तो मैं ये उतार लेता, सारा उतार के कर लेता, बट ये मसला है कौन सा, हमने नया लगवाना है या तो नया लगवाना होता फिर तो समझ आती कि बंदा उतार लेता है, अब ये नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी हम इसकी कटिंग प्रॉपर फ्रेम से करेंगे, फिर इसके ऊपर लगाएंगे। बाकी ये पीस है, इसका इतना इशू नहीं है, यहाँ से बिठाना शुरू करेंगे आ जाएगी, और जो कटिंग होगी वो यहाँ से सारी अंदर इसके अंदर ही डाल देंगे। ये वाली बस थोड़ी सी है ये ट्रिकी, क्योंकि ये ऊपर है, फिर भी इंशाल्लाह ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे लगा के शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक बैठेगी, उम्मीद है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, देखते हैं। जैसे कि हमने एक ये पीस लगा दिया, ये जो है ना ये और ये इसके ऊपर स्क्रैच हैं जिसकी वजह से ये निशान नहीं हटे, तो ये एक पीस हमारा लग गया है। और भी खो दिए देखें, अब ये आता जाएगा तो प्यारा लगेगा। इसको मेरा मूड था ब्लैक करने का, मगर ये टूटा हुआ था तो मैंने इसको वैसे ही सिल्वर छोड़ दिया, मगर देखूंगा इसको शायद ब्लैक कर ही दूँ मैं। अभी ये सारा कंप्लीट हो जाए ना फिर देखूंगा, अगर ब्लैक करने की जरूरत पड़ी तो ब्लैक करूंगा। बाकी ये तो होगा कार्बन फाइबर, होगी सर, देखते हैं बाकी। ये पिछली पट्टी है और हमने कैमरा इसके ऊपर से उतार दिया था, तो ये पिछली पट्टी है, ये में से थोड़ी सी टूट भी गई, टूटी तो नहीं मतलब कि लगी हुई है, ढीली होगी, तो इसको भी हम कार्बन फाइबर में रैप करेंगे, सेक्सी से बनाएंगे। फ्रंट वाली जो है उसको मैंने देखा है वो डबल टेपों से लगी है, तो वो मेरा डबल टेप अभी है नहीं कि मैं उसको उतार के दोबारा लगाऊंगा, तो इसलिए मैं उसको उधर ही लगे लगाए रैप करूंगा। अभी फिलहाल ये रैप करनी है, ये रैप करते हैं और इसको सफाई की है अभी, फिर दोबारा भी इस कपड़े से दोबारा साफ करते हैं। हमारी कार्बन फाइबर में रैप हो गई है, ये 5D कार्बन फाइबर जो है, अभी ये कटिंग करनी रहेगी। हमने ये जो है ये लगा लिया कार्बन फाइबर का, तो अभी प्यारा प्यारा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि गाड़ी के साथ मैचिंग मैचिंग हो गया है, ये पूरा बैठ भी गया, ओके हो गया। बाकी ये लाइटें, मेरा मूड है काली करवाने का, अभी समझ नहीं आ रही है काली करवाऊँ या ना करवाऊँ, ये पूरी, ये तो ब्लैक है ही है मगर ये भी पूरी ब्लैक करवाने का मूड है, देखते हैं आगे क्या सीन होता है। कैसे हैं कि हम सीट कवर लगवाने आ गए हैं, तो अभी दुकान ढूँढ रहे हैं किधर थी वो, तो वो ढूँढ के उसके बाद हम जो है सीट कवर लगवाते हैं, उधर देख रहे हैं दुकान कौन सी से लगवाना हमें। और आज नया दिन है और आज हम जो हैं सीट कवर नज़र आ रहे हैं, सीटें भी रखी नहीं है, लगाई नहीं है, सिर्फ ये ड्राइविंग सीट लगी हुई है, तो ये अभी जो हम सीट कवर लगवाने हैं। ये मैंने खुद चढ़ाया था मगर मुझे समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आता, चढ़ तो गया सही चढ़ाया, ऐसा नहीं है कि सही नहीं चढ़ा, बट मैं चाह रहा था कि प्रॉपर सही तरीके से फिट हो जाए, क्योंकि मेरा काम तो नहीं, मैं तो वैसे ही ट्राई कर रहा था कि हो जाए। तो अभी जो है हम सीट कवर लगवाने आए हैं, दुकान ढूंढ रहे हैं किधर है, तो दुकान ढूंढते हैं फिर देखते हैं। ये जो मैंने उसको निकाल के दे दी है, तो हमारा सामान है वो अंदर पड़ा हुआ है, गाड़ी लॉक करके हम चलते हैं। बाकी सीट कवर लगने शुरू हो गए हमारे, तो जी सीट कवर की फिटिंग हो रही है, बारिश हो रहा है, कंपाउंड हो रही है, सीट कवर तो लग गए हैं,
ये दिल में दिखाओगे, बाकी पिछले भी रहते हैं वो पिछले वाले भी लगा रहे हैं। ये जो है सिस्टम यस हो चुका है, बाकी खुद काम कर रहा हूँ, खुद सीटें खोली हैं। ये एक सीट थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, सुबह कल एडजस्ट करेंगे इसको भी हम। बाकी गाड़ी का इंटीरियर ओके हो गया, ये सीट कवर तो लग गए हैं और सीटें भी लगा ली हमने, ब्लैक विंडोज। ये चेक है इनकी लुक, पता लगेगी सुबह। ये बिल्कुल इंटीरियर के साथ मैचिंग में है, और ये खान सीट कवर के नाम से शॉप है, असल भाई होते हैं इधर, द एक्सपर्ट्स खान, ठीक है। सीट कवर इधर से हमने लगवाए हैं मगरिया के, बड़े फिट लगाए हैं और बड़ी प्यारी उसने बैठाई है। ये मैं कल आपको दिन में दिखाऊंगा, कल जो है दिन में दिखाऊंगा सीट कवर्स की फिट फिनिशिंग जो है। यहाँ पे लाइट सही आ रही है, फिनिशिंग वगैरह सारा ठीक है, तो पता लगेगा कि कैसे हैं। बाकी कल थोड़ी बहुत सफाइयाँ रहती हैं, तो इंशाल्लाह फुल ओके करेंगे। 24 hours later जो है हम स्पीकर फिट कर रहे हैं, लास्ट टाइम जो हमारा था ना एम्पलीफायर लगा ऐसे था कि सड़ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। चला के चेक अभी तो ये कि कन्वर्ट पे जो जेन्युइन स्पीकर है वो लगा रहा हूँ, ये तो फारग है, ये कनेक्ट करेंगे फिर भी साथ ही। ये भी कन्वर्ट के मगर लोकल है, वो वाले जेन्युइन स्पीकर मेड इन इंडोनेशिया इम्पोर्टेंस। ये भी हम लगा रहे हैं, एक तो लगाया है मगर उसके ऊपर वो नहीं आ रहा, तो इसी तरह जिसमें ये रखेंगे ऐसे रखेंगे, मगर उसकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऊपर चीज़ पड़ी रहे उसकी, तो गुजारा करते हैं इसके ऊपर कपड़ा डालेंगे ताकि कोई बच्चा शच्चा इसमें उंगली ना मारे। कुछ ऐसे हैं भाई, ये रहे सीट कवर और ये रहा हमारा कंसोल बॉक्स। ये हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये कार्बन फाइबर में रैप किया है ये भी जिस तरह के, और फ्रंट और फ्रंट की पट्टी भी हमने कार्बन फाइबर रैप कर दी है। ये रैप पड़ा हुआ है और ये कार्बन फाइबर की रैप हो गई है। अब ये वाला पेंट कराएंगे जिस तरह हमने सारा कुछ कराना है, फिर पेंट कराएंगे। बाकी ये देखो सेक्सी लुक बन गई है, लाइटें चेंज होने रह गई हैं बस, बाकी गाड़ी वॉश करके पॉलिश हो चुकी है। बड़ी प्यारी फिटिंग बिठाई है लड़के ने, ये जिस तरह से हमने काम किया था वो मैंने मेंशन वैसे ही किया हुआ है, मगर सीट कवर कहीं और से लाए थे, रेडीमेड बने बनाए बनवाए नहीं है। ये देख सकते हैं बड़े कोई प्यारे हैं, बाकी लाइट्स भी लगाई हैं हमने, वो नज़र आ जाएगी जो कि मैं रात को डेमो डाल दूंगा एक कोई। अभी पॉलिश हो गई है गाड़ी सारी, पॉलिश करके तैयार हो गई गाड़ी। तो यहाँ पर आज हम ब्लॉग खत्म करते हैं विद न्यू लुक ऑफ कार, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।